नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रोशन कुमार आरसी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पहले भी अग्निवीर के डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं बच्चों को डाउट था कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहां तक और कैसे बनेगा उसके बारे में। अभी तक बच्चे कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाएं या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना है और कैसे वो बनेगा उसके बारे में। बहुत सारे बच्चों का बहुत सवाल आ रहा है कमेंट में, यूट्यूब कमेंट में, व्हाट्सएप में और कॉल्स में भी बहुत सारे बच्चे सवाल कर रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे बनेगा, क्या होगा, कैसे उसको बनवाना है। तो आइए आप वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों का डॉक्यूमेंट के बारे में सारा जानकारी, जितना भी आप लोगों के मन में डाउट होगा सबको एक साथ में क्लियर करेंगे। क्या क्या जो अग्निवीर नोटिफिकेशन से लेकर जो पुराने साल में क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था उसको लेकर सब कुछ के बारे में बात करेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा और कहां तक कौन सा डॉक्यूमेंट को किस लेवल में बनवा के रखना है और कैसे उसको रखना है उसके बारे में बात करेंगे। आपको सबसे पहले बता दूं कि जितना भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जानने से आपके पास में जो जो डॉक्यूमेंट अभी हम बताने वाले हैं उसका आपको सभी का एक बंच बनाना है और उसको एक अलग से एक फाइल में अलग से उसको सजा के रख देना है ताकि आपको जब फाइनल डेट आएगा उस समय इधर उधर खोजना ना पड़े, उसको एक अलग से फाइल बना के रख दीजिए। आइए हम लोग डॉक्यूमेंट की ओर चलेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आप लोगों का एंट्री पासेस की तरह से होगा, अग्निवीर का आप लोगों का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो इस तरह से निकलना चाहिए, किसी तरह का कोई आप लोगों को इसमें एडिट नहीं करवाना है, किसी तरह से कोई इसको फोल्ड नहीं करना, इस तरह से फोल्ड भी ना करें, एकदम इसको सीधा और बिल्कुल साफ सुथरा निकलवाइए और इसको लेजर प्रिंटर से बिल्कुल साफ सुथरा ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रंगीन फोटोकॉपी निकलवाएं तो अच्छा से दिखेगा या अच्छा दिखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको लेजर प्रिंटर से ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना है और किसी तरह का कोई एडिट नहीं करना है। और जहां पे आप लोग इसके ऊपर में एक फोटो भी अटैच कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, नहीं तो अगर उतना जरूरी नहीं है आप इसको इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। इस बार एंट्री पासेस में आप लोगों को इस तरह ये एडमिट कार्ड देखा जाएगा और आपका कोरोना का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो कैसे आप लोगों को बनवाना है या कैसे आप लोगों को बनेगा। सबसे पहला सर्टिफिकेट जो रहेगा आप लोगों का एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर के साथ में। दूसरा जो डॉक्यूमेंट या दूसरा जो मेन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे वो है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाना है, उसमें क्लीन सेफ रहेगा, आपका जो दाढ़ी वगैरह है वो क्लीन सेफ रहेगा, आपको उसमें किसी तरह का दाढ़ी या फिर फेस में किसी तरह का भी फोटोग्राफ में एडिट नहीं करवाना है। व्हाइट बैकग्राउंड में 20 फोटोज, मतलब 20 फोटो आप लोगों को व्हाइट पीछे सफेद बैकग्राउंड में आप लोगों को इसमें निकलवाना है और ये लगभग 3 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज्यादा का ये फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। 3 महीने से पहले का, मतलब 3 महीने से बाद में जो भी होगा, करेंट का फोटोग्राफ होना चाहिए, इसमें ओल्ड फोटो नहीं चलेगा। जो भी बच्चे अगर ओल्ड फोटो डाले हैं या पहले से जो फोटो डाले हैं अभी आप नया से फोटो खिंचवा लीजिए और व्हाइट बैकग्राउंड में अच्छे से फोटो खिंचवाइए क्लीन सेव करवाने के बाद में 20 फोटो। क्योंकि इस बार हो सकता है जैसे अभी बाहर से बच्चे जितना छट रहे हैं तो आपको आर्मी वालों को किसी तरह का भी कोई छाटने का या फिर आपको बाहर निकालने का मौका ना दीजिए, क्योंकि फिजिकल बहुत मेहनत से कंप्लीट होता है और किसी तरह से अगर डॉक्यूमेंट में लापरवाही करते हैं तो वो सारा गलती आपका होगा क्योंकि आप उसको पहले से प्रिपेयर करके नहीं गए। अगला हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड का भी आपको 2 फोटो को भी निकलवाना है और आधार कार्ड ओरिजिनल भी आपको साथ में लेके जाना है। जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका आपको 2-2 फोटो को भी निकलवा के अलग अलग बंच करना है, उसके साथ में आपको ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल भी लेके जाना है और 2-2 फोटो कॉपी भी करवा के लेके जाना है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और इसका 2 फोटो को भी निकलवा के लेके जाना है। इसके बाद में बात करेंगे जो भी एजुकेशनल है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 2 तरह का एजुकेशनल सर्टिफिकेट आएगा। जो भी बच्चे ट्रेडमैन और जीडी का फॉर्म भरे हैं, वो लोग 10th का सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, जिसमें आप लोगों का आएगा रजिस्ट्रेशन स्लिप, उसमें उसके बाद में आएगा आप लोगों का 10th का एडमिट कार्ड और उसके बाद में आप लोगों का आएगा 10th का मार्कशीट और मेन जो है फाइनल वो आप लोगों का 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट जो झारखंड बोर्ड के द्वारा या फिर अलग जो स्टेट है उन लोगों के द्वारा जो स्टेट बोर्ड जारी करता है वो।
इसी में टेक्निकल और क्लर्क, जो बच्चे टेक्निकल के होंगे और क्लर्क के होंगे वो लोग, आप लोगों को 12th का भी सेम चीज लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन स्लिप, इंटर का मार्कशीट और इंटर का एडमिट कार्ड और इंटर का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होगा वो। इसमें बहुत सारे बच्चों का भी सवाल आ रहा था कि इंटर का बोर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है या मैट्रिक का बोर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि एप्लीकेशन आप स्कूल से लिखवा लीजिए कि आपके पास में एडमिट कार्ड बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मिला है क्योंकि आप एक साल के बाद मिलता है, तो आप करेंट में एग्जाम लिखे होंगे तो आपको इसके लिए छूट मिल जाएगा अगर आप एप्लीकेशन में सिग्नेचर करवा के रखते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में ये चारों सर्टिफिकेट 10th का और 12th का चार सर्टिफिकेट अलग अलग आपको रखना है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट, हिंदी में कहा जाए तो स्थानीय प्रमाण पत्र। ये आपको सभी, चाहे वो ST हो, OBC हो, जनरल हो या SC हो, सभी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अनिवार्य है और SDO के द्वारा ये प्रमाणित होना चाहिए। SDO सब डिविजनल अनुमंडल के द्वारा आप लोगों को ये बना हुआ होना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ये बना हुआ होना चाहिए। SDO के द्वारा सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए ये अनिवार्य है। इसके बाद में बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट एक तरह से कहा जाए ये तीन तरह से बनेगा, तीन अलग अलग कैटेगरी के तीन तरह से बनेगा। जो भी बच्चे ओबीसी से हैं उन लोगों का अभी करंट में CO से बन रहा है तो आप घबराए नहीं, CO वाला भी सर्टिफिकेट आप लोगों को चलेगा। अगर SDO से बनता है तो बहुत ज्यादा बेहतर है, SDO से बनवा के रख लीजिए ओबीसी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद में ST वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट आपको DC तक बना हुआ होना चाहिए, DC से नीचे या फिर SDO या CO का नहीं चलेगा, आपको DC से एकदम इसमें साफ बताया गया है कि DC से आपको कास्ट सर्टिफिकेट ST वाले बच्चों के लिए आपको DC तक बना हुआ होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। उससे अगर नीचे रहता है तो आपको हाइट में रेफरेंस नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई आपको छूट जो आपको आरक्षण मिलता है जातिगत तो उसको नहीं मिलने वाला है अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट DC तक बना के नहीं रखते हैं तो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल। जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? जनरल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको मुखिया के द्वारा बनेगा, मुखिया के द्वारा एक तरह से जाति प्रमाण पत्र का आता है, सिंबॉलिक आता है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से भी या फिर आप जो डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो भी आप लोगों को व्हाट्सएप में अवेलेबल हो जाएगा। उसको निकलवाने के बाद में आपको उसको फॉर्म फिल करना है टोटली, या फिर आप लेटर पैड में भी मुखिया से लिखवा सकते हैं कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या फिर सिंह है, उसको लिखवा सकते हैं कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं। उस तरह से आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा जनरल वालों के लिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बच्चे SC वालों बच्चों के लिए भी आपको SDO या CO तक लेवल चाहिए, अभी CO से बन रहा है तो CO तक ही चले, उसके लिए घबराए नहीं कि CO से बना है या SDO तक चाहिए, मगर उसके लिए घबराए नहीं, अगर SDO से बन रहा है तो बेहतर है, नहीं तो CO भी चलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को पुलिस अधीक्षक से बनेगा, जो SP हाउस से, जो SP ऑफिस से पास होता है वो, डिस्ट्रिक्ट से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों का पुलिस थाना से वेरीफाई होने के बाद में बनता है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक पहला सर्टिफिकेट होगा। उसी से रिलेटेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट से ही रिलेटेड, चरित्र प्रमाण पत्र से ही रिलेटेड आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा मुखिया से। मुखिया अर्थात जो बच्चे शहर में रह रहे होंगे वो वार्ड पार्षद से सिग्नेचर करवाएंगे और जो बच्चे गांव में रहते हैं वो मुखिया से सिग्नेचर और स्टाम्प लगवाएंगे। ध्यान रखें कि जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो या अनमेरिट सर्टिफिकेट हो, जो भी सर्टिफिकेट हो उसमें आपका फोटो, आप फोटो पे स्टाम्प होना जरूरी है। अगर किसी भी सर्टिफिकेट पर आपका फोटो नहीं रहता है तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा इंडियन आर्मी में। आपको फोटो हर सर्टिफिकेट में होना जरूरी है, इस बात को भी आप ध्यान पर रखें। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट आता है अविवाहित प्रमाण पत्र, अनमेरिड सर्टिफिकेट। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपका आता है, इसको आपको इस तरह से सिंबॉलिक अगर आप गूगल से भी डाउनलोड करते हैं या फिर डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा। इस तरह से सिंबॉलिक आता है, इसको फॉर्म फिल करना है आपको और इसमें मुखिया का सिग्नेचर और इसका स्टाम्प होना चाहिए। आप इस तरह से फॉर्म फिल करेंगे और इसका, ये बहुत ही अनिवार्य है अनमेरिड सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे सर्टिफिकेट के लिए छट जाते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, और छोटा छोटा गलती के कारण से इतना मेहनत से फिजिकल निकालने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कुछ भी अभी तक बताया सबका डॉक्यूमेंट
दो दो फोटोकॉपी करना है। उसके बाद में अनमेरिड सर्टिफिकेट के बाद में जो भी बच्चे जिनके फादर आर्मी में रह चुके हैं या आर्मी में अभी काम कर रहे हैं, उन लोगों का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आपके पिताजी इंडियन आर्मी में है तो आपको उसमें छूट मिलेगा। अगर आप छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसमें आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। उसके साथ में एक ज्वाइंट फोटोग्राफ, अगर आपके पिताजी हैं तो उनके साथ में एक फोटोग्राफ होना चाहिए, जो आपके पिताजी के साथ में ज्वाइंट फोटोग्राफ, एक साथ में दोनों को एक फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके बाद में एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर जो बच्चे ए भी पास किए हैं उनको भी पॉइंट है, अगर कोई बच्चे बी सर्टिफिकेट भी पास किए हैं तो उनको भी पॉइंट है, और जो बच्चे सी सर्टिफिकेट पास है उनका भी पॉइंट है। अलग अलग पॉइंट है, जैसे जो बच्चे ए सर्टिफिकेट पास किए हैं उनको 5 नंबर है, सभी में टेक्निकल हो, क्लर्क हो या जीडी हो, ट्रेडमैन हो, सभी में उन लोगों को 5-5 नंबर है। जो भी बच्चे बी सर्टिफिकेट पास किए उन लोगों को 10-10 नंबर है सभी में, सभी कैटेगरी में, और जो बच्चे सी सर्टिफिकेट पास किए हैं उन लोगों का ट्रेडमैन और जीडी में एग्जाम माफ है, और 15 नंबर मिलेगा उन लोगों को टेक्निकल और क्लर्क में। तो किसी तरह का भी आपके पास में छूट वाला सर्टिफिकेट है, आपसे जिसे रेफरेंस मिलेगा वो सर्टिफिकेट डालना या उस सर्टिफिकेट को लेके जाना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आप स्पोर्ट्स किसी तरह का भी स्पोर्ट्स खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट हो, नेशनल, नेशनल इंटरनेशनल, तो सब में पॉइंट है। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप खेले हैं तो आपको 20 नंबर है, उससे कम खेले हैं नेशनल में अगर मेडल है, नेशनल में खेले हैं तो उसमें 15 नंबर है, स्टेट मीट भी अगर खेले हैं, जो इस तरह से सर्टिफिकेट होता है। अगर इस तरह का भी सर्टिफिकेट आपके पास में स्टेट लेवल, वो ओलंपिक संघ से मान्यता प्राप्त वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कहीं से आप बनवाए हैं तो वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, उसमें भी आपको 10 नंबर मिलेगा। तो किसी तरह का भी रेफरेंस वाला सर्टिफिकेट लेके जाना बिल्कुल ना भूले। उसके बाद में आपको आएगा कोर्ट से निकलाया हुआ एफिडेविट, ये पुराना है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि इस तरह से आप लोगों का 10 रुपए का एफिडेविट बनेगा, इस तरह से एफिडेविट बनता है। ये एफिडेविट आपको कोर्ट में जाके बनवाना है, अगर आप किसी भी जिले से हैं तो वो एफिडेविट आपका कचहरी या कोर्ट से जाके बन जाएगा। एफिडेविट बनवाना है, एफिडेविट बनवाने के साथ में इसका भी आप फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी करवा के और ओरिजिनल को साथ में रखिए। ये 10 रुपए का आपको इसमें एफिडेविट बनवाना है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे बैंक अकाउंट, सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए जो सिर्फ आपके नाम पर होना चाहिए। बैंक अकाउंट किसी तरह का कोई जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट और उसका पासबुक, पासबुक का फोटोग्राफ और पैन कार्ड, अगर आपका पैन कार्ड बना है या फिर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी किसी तरह का से भी, दोनों में से कोई भी बना है, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड, तो वो जरूरी है, उसका ओरिजिनल भी और 2 फोटोग्राफ जरूरी है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आप लोगों का जो सबसे मेन है, जो जिसको बनी, क्या कोरोना का किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट लगेगा? हाँ, अगर आपने सेकेंड डोज ले लिया है तो सेकेंड डोज का आपको सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप बूस्टर डोज ले चुके हैं तो उसका भी, अगर आपके पास में बूस्टर डोज है तो बहुत ज्यादा बेहतर है, नहीं तो सेकेंड डोज है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए घबराना नहीं है। अभी के समय में आपको बूस्टर डोज नहीं लेना चाहिए, अगर आप 1-2 दिन के लिए तबियत खराब होता है तो आपका प्रैक्टिस मार जाएगा, इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास में सेकेंड डोज है, सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी रख ले उसको प्रिंट आउट करवा के। और सबसे लास्ट है नो रिस्क सर्टिफिकेट, इस तरह से आपको मिलेगा नो रिस्क सर्टिफिकेट, इसको भी फॉर्म फिल करके रखें और इसको भी साथ में लेके जाना है, ये इसका भी 2 फोटोकॉपी। हमको लगता है जितना भी डॉक्यूमेंट के बारे में अभी तक जो कुछ भी है उसके बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है। अगर किसी को किसी तरह का भी कोई सवाल होता है तो डिस्प्ले पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, और आपको किसी तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने में या किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट में सवाल आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, हम हमेशा आप लोगों का जवाब देने के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कॉल कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी तरह का भी कोई समस्या होता है तो, और किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप आरसी फिजिकल एकेडमी में बचे हुए दिन में, अगर आप जितना भी बचा हुआ समय है उसमें अगर आकर तैयारी करना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तरीका से स्पीड वर्कआउट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हमारे यहाँ फ्री ट्रेनिंग कराया जाता है, हॉस्टल एंड फूड फैसिलिटी का भी सुविधा अवेलेबल है। अगर आप आना चाहते हैं तो नीचे ही डिस्प्ले पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव और वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन तक
भी ये न्यूज पहुंच सके और उनको भी ये जानकारी मिल सके, किसी तरह का भी अगर वो कोई परेशानी से जूझ रहे होंगे तो उनको भी ये समाधान मिले। जय हिंद, जय भारत।